राजू अभी तक नहीं आया। वो नहीं आने वाला जूली, उसे जंगल से डर जो लगता है। राजू आ गया। हाय जूली। हाय राजू। अगर हाय हो गया है तो बाय भी बोल दो, क्योंकि कैंप में डरपोक लोगों की कोई जगह नहीं है। तो फिर सबसे पहले तो तुम अपना ही नाम कटवा दो। राजू मेरा छोटा भाई है। तो मेरे छोटे भाई से पंगा मत लेना। तुम्हारी बहन कितनी कूल है। टिया, मुझे याद है जब तुम पहली बार आर्यनगर आई थी तब कैसे तुमने राजू क्या हम कोई और बात नहीं कर सकते? क्यों, तुम अपने दोस्तों को बताना नहीं चाहोगे कि तुम बचपन में कितने क्यूट थे? हमारी बस रुक गई है। सिर्फ रुकी नहीं गई, हमारी बस पीछे जा रही है। वो देखो, माइकी राजू। कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। वाह,
तो डरपोक अभी रास्ता नाप ले, फिर बाद में मुझे मत कहना कि बताया नहीं। ठीक है ठीक है, अब शुरू भी तो करो। बहुत पुरानी बात है, ऐसी ही एक अंधेरी रात थी, जोर जोर से हवाएं चल रही थी। राजकुमार थोड़ा ध्यान से देखता है तो उसे वहाँ एक उल्लू दिखाई देता है। उसकी जान में जान आती है, उसकी थकी हारी आँखों में नींद आने लगती है। वो सोचता है किसे, मगर तभी उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। कोई पता नहीं चला क्या ये कहानी सच है क्या? ओ नहीं तो क्या, तुम्हें किसने बोला कि सच है? झूठ भी तो हो सकता है। डर गए क्या? इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, भूत भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। डरो मत, भूत आने से पहले हमेशा एक उल्लू की आवाज आती है। मैंने तो झूठी कहानी बनाई थी इन सबको डराने के लिए। किसी को डरने की जरूरत नहीं, भूत भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। काफी नाटक हो गया, अब हम भी जाकर देखते हैं आखिर ये भूत है क्या चीज। गिली गिली गम गम, चल सब मिलकर गाए। आटा पाटा।